नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे। मैं हूं शिवम यादव। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा नदी में प्रवाहित की जाएंगी। हरिद्वार में 11 बजे तक पूर्व प्रधानमंत्री का परिवार उनकी अस्थियां लेकर पहुंचेगा। इसके बाद बीजेपी अस्थियों के साथ हरिद्वार में सुबह 11:30 बजे से कलश यात्रा निकालेगी। ये कलश यात्रा हरिद्वार के भल्ला कॉलेज से शुरू होगी। हरिद्वार में अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि विसर्जन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन देश की 100 पवित्र नदियों में होगा। इसकी शुरुआत आज हरिद्वार में गंगा नदी में उनकी अस्थियों के विसर्जन के साथ होगी। इस अस्थि कलश यात्रा में शामिल होने के लिए 200 बसों में 15,000 बीजेपी कार्यकर्ता देहरादून से हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वाजपेयी की बेटी नमिता और पोती निहारिका आज सुबह स्मृति स्थल पहुंची और वहां से पूर्व प्रधानमंत्री के अस्थियों को एकत्रित किया। उसके बाद वो अस्थियों को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हो गई हैं। ये आप दो तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। एक वो तस्वीर जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां सुबह एकत्रित कर हरिद्वार ले जाने की तैयारी चल रही है। वहीं जो दूसरी तस्वीर है वो उस जगह से है जहां पर हरिद्वार में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा।